देखिए बेटे, हमारे पास क्या है, हमने जो एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किया था उसमें सेक्शन फॉर्मूला था। तो सेक्शन फॉर्मूला में आपको तीन तरह के क्वेश्चन मैंने बताए थे, रेशो गिवन, सेकंड टू फाइंड रेशो एंड थर्ड मिड पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन। तो अब जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, ये थर्ड टॉपिक चल रहा है मिड पॉइंट, और कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक दो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करे आज ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास क्या है, बेसिक देख लीजिए कि अगर आपके पास एक पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन एंड वाई वन है, और एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स टू एंड वाई टू है, तो अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट मिड पॉइंट हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू होते हैं। मालूम है सब बच्चों को कि जो आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, तो एक्स होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई होगा वाई वन प्लस बाई टू। ये हमारे पास मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट अगर आप सोचें तो रेशो वही रहता है, फॉर्मूला वही रहता है, लेकिन एम वन एम टू की वैल्यू वन हो जाती है, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब है 1:1। यस और नो? यस सर, ठीक है, तो आज हम इसी यस पे सर, करेंगे, इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज अटेंटिव रहिएगा, अलर्ट रहिएगा। मैंने आपसे कहा था कैमरास के लिए, लेकिन शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है। मैं ये जेन्युइन प्रॉब्लम मान के चल रहा हूँ कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए आप ऑन नहीं कर रहे, बट मेहरबानी करके अटेंटिव रहिएगा। बोर्ड आपका है, उम्मीद भी कम है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से हो पाएंगी, आई डोंट नो। अब हमें इसी पे बेस रहना है। तो हमारा रिजल्ट है पढ़ना, खुदा ना खास्ता आपको ये फील ना हो कि हम मेहनत कर लेते 2020 में तो हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाता। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपका रिजल्ट अच्छा है, एक्सक्यूज देने की जरूरत ना पड़े खुद को। तो अब इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी डिस्कस किए थे कि कितने क्वेश्चन मिड पॉइंट पे हैं, तो मैं वो मेंशन कर देता हूँ और फिर हम वो मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आज। और फिर मिसलेनियस में दो तीन क्वेश्चन है उसको करेंगे। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल है और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, मिड पॉइंट पे बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, देयर आर फोर पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये मिड पॉइंट पे है, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे है। फिर सेम इसी पे बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम बिल्कुल इन एक्सरसाइज 7.2, इफ 1, 2 एंड 4 y एंड एक्सेस 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। सेम क्वेश्चन है, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगेन मिड पॉइंट। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी मिड पॉइंट पे है। तो दीज आर थ्री क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज 7.2 ऑन द बेस ऑफ मिड पॉइंट। तो ये बस, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हू सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1/4। तो ओनली दीज थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन एक्सरसाइज 7.2। तो अगर आपको 7.2 करना है तो आपको सिर्फ ये तीन क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, हमने लास्ट क्लास में जो किया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 की क्वेश्चन नंबर एग्जाम क्लास 4 थी, और ये मैंने क्वेश्चन लिए थे टाइप 1। अब आप देख सकते हो कि आपका पूरा एक्सरसाइज सिर्फ तीन क्वेश्चन में डिवाइड, ओनली थ्री क्वेश्चंस। तो अगर एक्सरसाइज 7.2 के आप सिर्फ तीन क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो ये टाइप 1 था,
इसमें ये हमारे पास एग्जाम्पल 6, 8 और 4 सिक्स क्वेश्चंस थे, फिर ये इसके सॉल्यूशन हमने किए थे, ये सारे सी के क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये हमारा टाइप टू था, फाइंड रेशियो पॉइंट गिवन, तो इसमें 4 क्वेश्चन थे, तो 6 और 4 10, और 3 ये हमने लिए, 13 क्वेश्चन आपके पास पूरे। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। तो इससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चलेगी कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो खैर ये हमारे पास हैं, और मैं पहले इजी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूं, देन एग्जांपल 10 एंड 6, एक मैं करूंगा एक आप करना। ये हमारे पास है, सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए और क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल whose center is 2-3 and B is 1-4. तो जैसे जैसे हमसे कह रहा है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। A B is the diameter of a circle. यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास सर्कल है। आप सब लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, बशर्ते कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और छोटा सा जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट का वो आप समझो। देयर इज अ सर्कल एंड ए बी इज ए डायमीटर, ये हमारा AB डायमीटर है। तो सपोज दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। तो A के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने, सपोज X1 एंड Y1, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, हूज सेंटर इज 2-3। इस सर्कल का जो सेंटर है, जो डायमीटर का हमारे पास सेंटर है, That is 2-3. Center O ले लेते हैं और उसको mention कर दिया 2-3. ये हमारा center हो गया. And B is 1-4. और हमारा जो B है, वो 1-4 हो गया. सब बच्चों को क्लियर है ये सब? नो? Yes sir. Yes sir. अब सिर्फ मुझे आप ये बता दीजिए कि A, B और O में क्या रिश्तेदारी है? What is O? O is the center. The midpoint. वो इज द मिड पॉइंट, सेंटर तो है, लेकिन हम तो जो बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला की या मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो अब ओ हमारा मिड पॉइंट है। अगर ओ हमारा मिड पॉइंट है तो मैं आपकी आसानी के लिए कहूं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बच्चा बता सकता है? x1 + x2 / 2। बोलिए सर, x1 + x2 / 2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब आप यहां देखोगे, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए बेटे, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, पहले तो यहां लिख देते हैं कि हो क्या रहा है। O is the midpoint of AB, yes or no? Yes sir. Yes sir. और midpoint का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 / 2, ठीक है बच्चे। तो अब होगा क्या, ये मेरा x होगा, यस और नो? मिड पॉइंट का x होगा सर। और ये मेरा x1 होगा, यस और नो? और ये मेरा x2 होगा। सब बच्चे बताओ, बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बेटे तीनों की वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी बच्चे? 2। x1 की वैल्यू कितनी बेटे? x1। x2 की वैल्यू कितनी बेटे? 1 / 2। सब बच्चों को समझ में आया? Yes sir. Yes sir. तो 2 जा बेटे। x1 = 3। 4. Yes, very good. So x = 3. Yes. तो x1 = 4 - 1 = 3. सबको समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. है ना बेटे? अब जरा मुझे कौन सा बच्चा बताएगा y का फॉर्मूला? y1 + y2 / 2. Yes. And बहुत अच्छे, शाबाश। y = -10 + y2 / 2, है ना बेटे? तो y की वैल्यू कितनी है बच्चे? -3 - -3. y1 कितना बेटे? y1. और y2 कितना बेटे? 4. 4 / 2. 2. -10. -10. y1 + 2. बहुत अच्छे। 4 को इधर लाओ बेटे। -10. -10. सब बच्चे बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है बेटे, x1 कितना आया बच्चे हमारा? 3. 3. और y1 कितना आया बच्चे? -10. तो a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3, -10. सब बच्चे बताएं, थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया? यस सर, पूरा आया। आ गया?
चलो नोट करो, शाबाश, खुद से करो, करो। जब मैं नोट करने को कहा करूं तो खुद से किया करो, स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जहां नहीं समझ में आया फिर स्क्रीन पे देख लो, कोशिश करो जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दिसंबर से एक नया बैच इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, तो आपके कोई क्लासमेट्स हो तो वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेंड्स हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस जिन बच्चों का कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है तो वो उससे फर्स्ट फाइव, क्योंकि सिक्स तो मैं अभी कराऊंगा, सेवन चल रहा है, तो फर्स्ट फाइव में आपका भी अगर कोई मिसिंग होगा तो उसमें अपना कवर कर लेंगे। वो भी टू आवर्स डेली क्लासेस होगी, फाइव टू सेवन उसका टाइमिंग होगा इंशाल्लाह। जन बेटे? जी सर, हो गया। सोलत कर लिया बेटे? सोलत? यस सर। नोट कर लिया बेटे? आपने नोट कर लिया? यस सर। चल देखो, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है बेटे, पैलोग्राम वाले, छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो दोनों सेम क्वेश्चन है। एक मैं कर दे रहा हूं, एक आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये है हमारे पास बेटे, इफ द पॉइंट्स ए सिक्स वन एंड बी ए टू सी नाइन फोर डी पी थ्री आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैलोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये हमसे कह रहा है, ठीक है बेटे। तो हमारे पास क्या है बच्चे, मैंने जैसे आपसे कहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन को मेंशन करो कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन। तो हमसे क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मैं आपसे कहता हूं जब भी इस तरह क्वेश्चन हो कि आप पहले प्लेस कर लो। तो सपोज करो बेटे ये मेरा पैरेललोग्राम है, बहुत इजी सा है, सिंपल सा हम फॉर्मूला लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से लेनी। ये बेटे पैरेललोग्राम है, तो आपके पास पॉइंट्स जो होते हैं वो उसको उसी सीक्वेंस में रखना है। तो जैसे आपको ए गिवन है, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए। तो सपोज करो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट पॉइंट इज ए, दैट इज 6 1। तो अब आपकी चॉइस है, बी आप इसको भी ले सकते हैं या बी आप इसे भी ले सकते हैं। तो मैं नीचे से ही ले रहा हूं बी। तो सपोज करो ये मेरा बी है एंड बी इज 8 2। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। Then C obviously sequence में यहां आएगा, that is 9 4, and my D is P3, that is P3. तो ये हमारे पास vertices हैं A B C D, ठीक है बेटे। आपसे क्या कह रहा है, are the vertices of a parallelogram। तो इसका मतलब A B C D parallelogram है, find the value of P। तो मुझे P निकालना है। तो दो चीजें हैं, ये parallelogram है और P मेरा find करना है, तो only two parts। अब आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि इन ए बी सी डी में क्या रिलेशन है, या पैरेललोग्राम से हम क्या समझते हैं। पैरेललोग्राम के ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बोल रहा हूँ सर। जी बोल रहा हूँ सर, बताएं सर, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। जी जी जी, मैं समझ गया। आप मुझे 6:30 के बाद कॉल कर लें सर, या फिर सुबह कर लें 11 बजे। जी 6:30, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया सर, धन्यवाद जी बेटे। तो इन्हें पैरेललोग्राम जो आपने कहा बेटे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसमें वो करेंगे प्रॉपर्टीज। होता क्या है बेटे, इसमें होते हैं डायगोनल्स, मुझे तो मिड पॉइंट लाना है कहीं ना कहीं से, है ना बच्चे। ये डायगोनल हो गया और बेटे ये डायगोनल हो गया, सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यस और नो?
यस सर ठीक है होगा क्या जैसा एसी है बेटे उसका मिड पॉइंट बाइसेक का मतलब मिड पॉइंट ओ जो होगा एसी का मिड पॉइंट होगा यस सर नो यस सर लेकिन क्या ओ बीडी का भी मिड पॉइंट होगा यस सर यस सर नो सर बच्चे बताओ Yes, sir. इतना लिख दीजिए आंसर आ गया बस हम क्या लिख रहे हैं बेटे इन ए पैरोग्राम डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो ये प्रॉपर्टी लिख दीजिए और देखिए कितना अच्छा सा सॉल्यूशन है छोटा सा तो आप क्या लिखोगे आप यहाँ इसका क्या मतलब हुआ बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब इसका मतलब हुआ ये बच्चे कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी अब अच्छी बात क्या है कि हमारे पास ए दिया हुआ है बेटे और हमारे पास सी भी दिया हुआ है तो हम ए सी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं यस सर नो यस सर ठीक है तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी ये फायदा होगा बेटे कि ए सी का मिड पॉइंट और बी डी का मिड पॉइंट सेम होगा यस yes? अब बताओ ए सी का मिड पॉइंट कौन बताएगा ध्यान से जरा आप सबका फोकस ए और सी पे होना चाहिए ए और सी तो बताओ ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा बच्चे मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू ठीक है वेरी गुड सिक्स प्लस नाइन अपॉन टू तो ए का एक्स वन क्या है बच्चे अपॉन टू सिक्स और सिक्स प्लस नाइन यस सर सब बच्चे बताओ यस सर सिक्स प्लस नाइन बाई टू है ना बेटे अच्छा और y1 कितना है बच्चे 1 और y2 कितना है बच्चे 4 तो क्या मैं लिख सकता हूं 9 प्लस 4 बाय 2 तो ये AC का मिड पॉइंट हो गया सब बच्चे बताओ यस सर यस अच्छा शाबाश अब मुझे बताओ BD का मिड पॉइंट BD का तो हमें 1 प्लस 4 होगा ना 9 प्लस 4 लिख दिया आपने यस सर 1 प्लस 4 अच्छा 9 हमने अच्छा x2 ले लिया थैंक यू ठीक है बेटे शाबाश अब बताओ बी डी अब सब बच्चे बी डी को फोकस करो है ना बी और डी को फोकस करो तो ये हमारा बी है बेटे और ये हमारा डी है तो यहाँ एक्स वन कितना है बच्चे एट एट और एक्स टू कितना है पी पी क्या हो जाएगा बेटे एट प्लस पी बाई टू अच्छा हमें तो जरूरत भी नहीं थी वाई की लेकिन चलो लिख लेते एट प्लस पी बाई और वाई वन कितना है टू प्लस थ्री तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2 सब बच्चे बताओ यस सर ठीक है बेटे अब दोनों तरफ सेम पॉइंट हैं तो हम इसे कंपैरिजन कहते हैं कंपेयर का मतलब x को x के साथ कंपेयर करेंगे ये इक्वल आने चाहिए और बेटे y को y के साथ कंपेयर करेंगे अच्छा अब देखो y इक्वल भी आ रहा होगा इधर कितना आ रहा है y 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 5 बाई 2 और इधर भी कितना आ रहा है तभी तो कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे तो अब हम यहाँ कंपेयर तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 9 15 बाय 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बाय 2 यस सर नो यस हमने क्या किया हमने ये कर दिया बेटे 6 प्लस 9 बाय 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बाय 2 तो 2 से 2 कैंसिल 8 को बेटे इधर ले आओ इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 15 माइनस 8 7 तो पी आ सब बच्चे बताओ यस सर नो यस सर ठीक है इजी था यस सर चलो नोट करो जल्दी से और नेक्स्ट वाला बिल्कुल इसी तरह से करना है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से करो शाबाश चलो
ये लो स्माइल. ये तुम अपने पास रखोगे, जब खत्म हो जाएंगे मुझसे पैसे लोगे. और चलो हो गया बेटे. यस सर. चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए बेटे. सेम, बिल्कुल डरना नहीं है. पहले आप करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो. ट्राई करिए. बिल्कुल सेम फिगर ड्रॉ करेंगे, एबीसीडी को मेंशन करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये लिखेंगे, और मिड पॉइंट ऑफ एसी इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बीडी ये लिखेंगे. कोशिश करो सब बच्चे. चलो शाबाश. ड्रॉ द फिगर, प्लेस द पॉइंट्स, मेंशन करो मिड पॉइंट ऑफ एसी सेम एज मिड पॉइंट ऑफ बीडी. एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इज इक्वल टू वाई वन बाई टू. दोनों को इक्वल रखो, कंपेयर करो, फिर देखो. ट्राई करो जल्दी से फटाफट. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह का शुक्र. x is equal to 6 and y is equal to 2. जी 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 अच्छा जी बात करें. हाँ जी सर. वालेकुम सर. x is equal to 6, y is equal to 3. मुजफ्फर भाई की दुकान है, टावर जहाँ लगा हुआ है. जी 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 माशा. क्या नाम है आपका? आप यहाँ घड़ी उगता है? अच्छा माशाल्लाह. कब से है आपकी पोस्टिंग घड़ी में? अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा. मैं ब्रार भाई दिल्ली रहता हूँ जी. मेरा वहां जिस गली में आप रह रहे हैं उसके आखिर में जो मकान है वो मेरा मकान है. प्रधान जी के बराबर वाला मकान. भाई अतीक को जानते होंगे आप? नहीं. भाई अतीक हमारे ही मकान में रहते हैं, मेरे बहनों ही हैं भाई अतीक. अब आप समझ गए? जी जी वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जी. मैं अब्रार भाई बस स्कूल में आता हूँ, वहां जो गांव में स्कूल है ना, द हिंद गुरु. कच्ची घड़ी में, पक्की घड़ी में, पक्की घड़ी में तालाब पे स्कूल नहीं है दाइन गुरु, बस वहां आना होता है मेरा स्कूल में ज्यादातर. मैं आता हूँ तो पूरा बस एक दिन के लिए आता हूँ जी. माड़ी पे जो स्कूल है वो आप ही का है ना? जी 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 जी, जी? वो वहां हुआ था राजगढ़ रोड पे जी. हाँ तो उस दिन तो मैं वहीं था वली में. जी जी जी
मैं सैटरडे आऊंगा अबरार भाई इंशाल्लाह, अगर आप वहां रहे तो जरूर मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह। बहुत मुबारक, तशरीफ लाइए इंशाल्लाह जी, नंबर ले लीजिए जी इंशाल्लाह, मुलाकात करूँ, बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, जब आप बुला लें तब हम हाजिर हो जाएं। मैं हाजिर होता हूँ पापा जरूर इंशाल्लाह जल्दी, बस सब बहुत खुशी से। आप दिल्ली नहीं आ रहे क्या? अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह, मुलाकात होगी जल्दी जी, मोहब्बत है आपके पास। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह ने सलामत रखे, सब बहुत अच्छा है बस खुदा का शुक्र। जी बेटे समझ में आ रहा है सबको? यस सर ये हो गया है। बहुत अच्छे बेटे, सॉरी 8/2 बताइए सब बच्चे समझ में आया या नहीं आया बेटे? यस सर आ गया ना बेटे, गुड। बस ये आपका चैप्टर था माशाल्लाह, इसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा रह रहे हैं तो वो आप और कर लेते हैं, नोट करना चाहे करें और अगर कर लिया है तो आगे बढ़ो। किसी को नोट करना है? सर कर लिया ये। सोलत आपने कर लिया बेटे? चलो शाबाश, बहुत अच्छा कर लिया बेटे। यस सर गुड, सबने कर लिया? जी सर। दो की आवाज आती है बस, बाकी सब माशाल्लाह साइलेंट। जी सर जी बेटे हो गया सर, कर लिया। यस सर यस सर। देखो एक क्वेश्चन तो बेटे अलग से ही समझिए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है सेक्शन फॉर्मूले से। तो एक क्वेश्चन तो ये है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो एक तो ये देखिए बेटे आप लोग, और 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये है बेटे हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5 -1, 4 -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मीन्स वही ए बी सी डी, जब आप लेंगे तो सिक्वेंस में लेंगे। उसने हिंट भी मेंशन कर दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, यहाँ ये मेंशन कर दिया उसने कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल होता है। तो अगेन हम तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो ठीक है हमारे पास एक रोम्बस है तो हम तो यहीं से स्टार्ट लेंगे, बेसिक से ही बेटे कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या होता है? ऑल फोर साइड्स इक्वल, है ना, डायगनल्स बाइसेक्ट एट 90, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास है, फिर वही सीक्वेंस ले लीजिए बेटे 3, 0, फिर ये ले लीजिए 4, 5, फिर ये ले लीजिए -1, 4, और फिर ये ले लीजिए -2, -1, दैट्स इट। ये हमारे पास है, तो हमसे कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस, क्या कह रहा है हमसे? तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से हम AC निकाल सकते हैं कि AC की लेंथ कितनी है। क्यों बच्चे, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? यस सर। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला रहा हूँ। सपोज करो ये हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 बेटे, और एक पॉइंट है b x2 y2 बच्चे। तो आप सीधा दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं AB। तो AB होता है बेटे अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अब हमारे पास बच्चे a दिया हुआ है ये 3, 0, और b, ये b दिया है -1, 4, b ना कह के हम यहाँ c कह रहे हैं ac।
तो अब हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो ए सी यहां से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला तो हमने ऐसे ही लिखा है, सॉल्यूशन तो हमारा यहां से होगा। तो ए सी होगा अंडर रूट, ठीक है, एक्स टू माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस जीरो का स्क्वायर। अब आपको पता होगा माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा। यस सर नो? Yes. और 4 माइनस 0 भी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 32 कितना आ गया बेटे? 32 को आप लिखोगे 16 2 जा, तो इसको अगर अंडर रूट में लिखना चाहो तो 4 रूट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 रूट 2 एसी है ना बेटे। अब लिखो आप बी बी डी बच्चे हमारे कर लीजिए बी। आवाज नहीं आई बेटे, म्यूट कर लिए, थैंक यू बेटे। अब आप चेक करो बेटे बी डी, तो बी हमारा है 4 5 बेटे, और डी हमारा है माइनस टू माइनस वन, है ना बेटे। तो क्या हो जाएगा 4, या तो माइनस टू माइनस फोर कर लीजिए, 4 माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, जैसे आपको लगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटे 6 का स्क्वायर 36 एंड 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का प्लस 72, तो 72 का करेंगे बेटे 36 इनटू 2, तो ये हो जाएगा 6 रूट 2। सब बच्चे बताओ यस और नो? यस सर। तो अब आपको सीधा सीधा सा बस फॉर्मूला लिखना है, कुछ भी नहीं करना। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज हाफ डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2। सब बच्चे बताओ यस और नो? यस सर। है ना, तो बोले एसी कितना आया बेटे? 4 रूट 2। बीडी कितना आया बेटे? 6 रूट 2। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, रूट टू होता है ना? यस सर। टू से टू कैंसिल और 4 6 जा 24। एरिया है ये, तो यूनिट स्क्वायर, कोई भी यूनिट हो, हमें तो पता नहीं सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, बट यूनिट स्क्वायर। इज दिस क्लियर सब बच्चों को? Yes, sir. चलो तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, दो क्वेश्चन सीधे सीधे से मिसलेनियस के देख लो, फिर इंशाल्लाह का चैप्टर होगा। करो जल्दी से नोट। गुड, देखो अब सब बच्चे बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एक्स्ट्रा है, तो आप सब बच्चे इसको ध्यान से देखिए। थोड़ा सा अलग है तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अब आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड, तो ये एक तरह से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटे, तो आपसे क्या कह रहे, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें पॉइंट दे रहा था उससे रेशियो निकाल रहे थे, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रहा था उससे निकाल रहे थे, अब लाइन दे रहा है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि लाइन सेगमेंट, सब बच्चे ध्यान से प्लीज, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, तो सपोज करो बेटे ये हो गया ए दैट इज 2 माइनस 2, ये हो गया बेटे बी दैट इज 3 7, तो ये हो गया बच्चे हमारे पास ए बी, ये हमारे पास ए बी है बेटे ए बी। ठीक है, तो अब आपको क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। अब यहां से शुरू होता है रेशियो निकालना, ये लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है, तो ए बी को कैसे डिवाइड कर रही है, मान लो ये लाइन है बेटे, इधर देखो ये लाइन है ऐसे, और इस लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई है, और इसकी इक्वेशन कितनी दी हुई है, 2x + y - 4 = 0। अब जरा इस पे फोकस करो, इतने से पे कि आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, और उसको दूसरी लाइन कट कर रही है, तो वो किस रेशो में डिवाइड कर रही है ये बताओ, ये रेशो निकलवाना है कि भाई ये रेशो जो है m1
is 2m2. ये रेशो बताओ आप. सबको बात समझ में आ गई या नहीं आ गई क्वेश्चन की? यस सर. यस सर. तो ये रेशो हमें निकालना है. हम क्या करते थे थोड़ा सा याद करो कि जब हमें रेशो निकालना होता था तो हम रेशो कहते थे केस टू वन. क्या कहते थे? केस टू वन. तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस लाइन को हम मान लेते हैं एल. एल तो हम कहते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं, लेट एल डिवाइड्स ए बी इनटू के इज टू वन रेशियो. ए बी डिवाइड्स इनटू के इज टू वन रेशियो. ठीक है, क्लियर. लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि रेशियो जो होता है लाइन नहीं डिवाइड करती, पॉइंट डिवाइड करता है. तो सपोज करो यहां पे पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है, ये पी, और इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, एट पी. सब बच्चे बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है, लाइन जो है एल ए बी को डिवाइड कर रही है इन द रेशियो के इज टू वन, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे. क्लियर है यहां तक बात? Yes, sir. Yes, sir. अब आप सब बच्चे प्लीज फोकस करो, आप सब बच्चे प्लीज फोकस करो. क्या आप बच्चे P निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes. है ना बेटे, आपको रेशो दिया हुआ है केस टू वन, आपके पास पॉइंट्स गिवन है 2-2, 3-7, तो P निकालो. तो हम क्या करेंगे, P निकालेंगे. सो P डायरेक्ट निकाल रहे हैं. अगर आपको थोड़ा सा याद हो रेशो वाला फॉर्मूला भी, m1x2 है ना बेटे, m2x1 करते थे ना इसे. तो k को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3. और 1 को किससे कर रहे हैं? 2. और नीचे क्या आएगा बेटे? k+1. सबको समझ में आ गया? यस सर. है ना बेटे. अब हमें निकालना है y. तो y निकालने के लिए k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से. और 1 को किससे करेंगे? -2 से. तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, 7k-2/k+1. सब बच्चे बताइए बात समझ में आई क्या? यस यस. हां भाई सब बच्चे, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ. yes, हमने आपसे सिर्फ ये कहा कि p निकालो. तो क्या p निकालना समझ में आ गया आपको? यस सर. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो क्या था बेटे? क्वेश्चन तो ये था कि ये जो p है ये इस लाइन पे लाई कर रहा था, इस लाइन पे. और ये लाइन क्या थी बेटे? 2x+y-4 = 0. यस और नो? यस सर. ठीक है, अब फिर फोकस करो. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं. देखो सब बच्चे प्लीज ध्यान से, अब मैं कह रहा हूं इसे हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए, सब हटा दीजिए. अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मेरा पी आया है बेटे, वो आया है, सबके सब बच्चे देख लीजिए, 3k+2/k+1 एंड 7k-2/k+1. तो अब आप यहां फोकस करिए कि भाई जो हमारा P पॉइंट है, ये जो हमारा P पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है. यस और नो? यस सर. और बेटे ये जो है ना, ये P में x की वैल्यू है और y की वैल्यू है ना भाई. यस सर. तो आपको क्या पता है, आपने 9th में भी किया है, 10th में भी कर रहे हो, कि जो पॉइंट लाइन पे लाई करता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. यस और नो? यस सर. तो क्या ये जो x की वैल्यू है और ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? यस सर. करेगी. यस और नो? Yes. है ना. अब हम क्या कह रहे हैं बेटे, अब हम ये कहेंगे, देखो P lie on the line, कौन सी लाइन? 2x+y-4 = 0. So it must satisfy the equation. Satisfy the equation. सब बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes. तो अब आप बेटे x की वैल्यू ये रख दीजिए और y की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटे, 2x की जगह क्या रखोगे? 3k+2/k+1. एक बार करना पड़ेगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. 7k-2/k+1 -4 = 0. देखो सबको समझ में आया क्या? आपने
2x plus y minus 4 में x की वैल्यू और y की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू कितनी रखी आपने? 3k plus 2। y की वैल्यू कितनी रखी? 7k minus 2। Yes or no? ठीक है? अब जरा इसे सही कर लीजिए। अब इसे सही कर लीजिए, जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कौन है एडमिनिस्ट्रेटर्स आईफोन? सर मैं सलमान जी। सलमान डरा दिया आपने मैंने। कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा भाई हमारे यहाँ? अच्छा सलमान साहब। 4 बजे हुआ करेगी? नहीं तो किसने कहा सर? टाइम टेबल आया हुआ था ना आज ग्रुप पे। मेरे पुराने बैच का आपका तो वही रहेगा 5 to 6। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपका टाइम टेबल वही है बेटे जितना, बस इनका 4 बजे वालों का क्लास अब 2 घंटे का हो गया और आपका 1 घंटे का। k plus 1 LCM लो बेटे, 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चे, 2 3 जा 6k plus 4 7k minus 2, k plus 1 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटे? 4k minus 4 minus 4k minus 4 is equals to 0। k plus 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो अब जरा देखो 6, अब जरा यहाँ देखो ये है 6 और ये है 7, 6 और 7 13k 13 minus 4 9। अच्छा, और ये जो है 4 से 4 कैंसिल है ना बेटे? Yes, तो हमारे पास रह गया माइनस 2। क्या रह गया? माइनस इज इक्वल्स टू 0। तो 9k इज इक्वल्स टू 2, तो k इज इक्वल्स टू 2/9। तो जो हमारा k आता है वही रेशो होता है, तो रेशो हमारा क्या हो गया बेटे? 2:9। देखो दो पार्ट में ये क्वेश्चन हुआ है, सब बच्चे तो बड़ा से देख लीजिए फिर इसको नोट करिए। दो पार्ट में क्वेश्चन हुआ है। पहले पार्ट में तो हमने ये कहा कि भाई ये हमारे पास, सब बच्चे ध्यान से देखिए दोबारा से, ये हमारे पास लाइन ए बी है, इसमें ए 2-2 है और बी हमारा 3-7 है। तो हमने ये कहा कि पी जो है इसको के 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? के 2:1। तो हमने पहले पी निकाल लिया, तो पी हमने किससे निकाला? ए बी से। और जब हमारे पास P आ गया तो फिर हमने कहा कि P जो है लाइन पे लाई करता है, इसलिए उसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दी है ना, और K आ गया। तो जरा आप नोट कर लो इसे जल्दी से फटाफट टू पार्ट्स में। अब इसे खुद से जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। जल्दी से करो। इसकी जरूरत नहीं है। हमसे क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इंफॉर्मेशन अगर आप लेंगे कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, तो ये मेरे पास सर्कल है। क्वेश्चन से ही हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सर्कल है और ये जो सर्कल है passing through the points, this circle is passing through the point 6-6, 3-7 and 3-3। तो इसका मतलब मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट हो गया A और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 6-6। There is another point B, that is 3-7 and एक और पॉइंट ले लेते हैं, that is 3-3 C, that's it। और आपसे कह रहा है कि भाई इस सर्कल का सेंटर है ये, सपोज करो O, और आप जो हैं सर O निकालिए, तो फाइंड O। तो O में ना हमें X मालूम है ना Y मालूम है। सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया या नहीं? यस यस सर। एबीसी आप कहीं भी सपोज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बट इतना नहीं करेंगे कि आप ये सोच लें कि इनमें से कोई सा डायमीटर है, ऐसा मत सोच लेना कि ए बी डायमीटर है या बी सी डायमीटर है या ऐसी, ऐसा कुछ भी हमें दिया नहीं है। प्लीज कभी मिड पॉइंट निकाल के बैठ जाओ। तो हमारे पास ये हो गया, एक सर्कल है ठीक है जिसका सेंटर हमें निकालना है,
और वो एक तीन वर्टिसेस से पास हो रहा है, तीन पॉइंट से पास हो रहा है ए बी सी से। तो अब आपको सोचना है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि सर ओ का डिस्टेंस ए से और ओ का डिस्टेंस बी से और ओ का डिस्टेंस सी से इक्वल है। यस सर नो? यस सर। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये रेडियस। यस, बस यहीं से बेटे हमें रास्ता मिलेगा। हियर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। एग्जामिनर को पता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे अपनी नोटबुक में कि रेडियाई है, दीज आर द रेडियस। ओके, अब जरा ओ ए निकालो, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में होता है, तो अंडर रूट हटाने के लिए आप यहीं पे स्क्वायर कर सकते हैं बच्चे। ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। मैं तीनों साथ ले रहा हूँ, वजह बताऊंगा अभी क्यों ले रहा हूँ, फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना हमेशा, जब भी आपको दो वेरिएबल निकालने हैं, क्योंकि आपको सेंटर निकालना है, तो सेंटर में x भी होगा y भी होगा, तो जब भी दो वेरिएबल निकालने हैं तो दो इक्वेशन बनेगी बेटे, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। जब एक वेरिएबल निकालना होता है तो एक इक्वेशन बनती है। तो खैर, हम क्या करें, ओ ए, कौन बच्चा मुझे ओ ए का फॉर्मूला बता सकता है? ओ को ध्यान में रखो और ए को ध्यान में रखो। ओ ए x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस y प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे? प्लस। वेरी गुड। अब इसी तरह से बेटे ओ बी को ध्यान में रखो, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यस y प्लस सेवन, शाबाश बेटे, y प्लस सेवन का स्क्वायर, वंडरफुल। ओ सी को ध्यान में रखो बेटे, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर और y माइनस थ्री का होल स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब होगा क्या बेटे, होगा ये कि मान लो इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं बेटे सेकंड पार्ट, और बच्चे इसको हम कह रहे हैं थर्ड पार्ट। तो हम इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ले सकते हैं, हम सेकंड एंड थर्ड ले सकते हैं, हम फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हैं। तो हम ये तीन कॉम्बिनेशन लेके दो इक्वेशन बना सकते हैं, कोई सी भी दो लेना है। तो पहले अब हमें सोचना है हम कौन सा लें। अब मैं आपको समझा रहा हूं, जरा अगर आप चेक करोगे, यहाँ x माइनस थ्री है, यस सर नो? यस सर। और यहाँ भी x माइनस थ्री है, यहाँ भी क्या है, x माइनस थ्री। तो अगर हम इन दोनों को यूज करेंगे तो x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, और उससे फिर क्या होगा, उससे y सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा? y। तो हम पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ एक गड़बड़ होगी, अभी क्या गड़बड़ होगी वो देख लो। सब बच्चे ध्यान से, थोड़ा सा x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y प्लस सेवन का स्क्वायर, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। आप क्या करो, x माइनस थ्री स्क्वायर से x माइनस थ्री स्क्वायर कैंसिल कर दो, कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्या गड़बड़ हुई, अरे क्यों, लेकिन हमारे पास क्या है, ये है y प्लस सेवन का स्क्वायर और ये है y माइनस थ्री का स्क्वायर। तो बच्चे क्या करेंगे, आप ये सोच सकते हो कि मैं दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आएगा y प्लस सेवन और ये आएगा y माइनस थ्री। यस सर नो? सब बच्चे बताओ। यस सर। हाँ भाई, करेंगे, नहीं कर सकते ऐसे? यस सर। कि हमने स्क्वायर रूट ले लिया, लेकिन जैसे ही आपने किया तो ये सर ऐसे होगा कि y से y कैंसिल, क्या कैंसिल, y से y। अब बताओ, पहली बात तो y गायब हो गया जिसको निकालना था, दूसरी बात हमारे पास आया क्या है, 7 is equals to minus 3, ये तो कोई मैथ ही नहीं है कि 7 minus 3 के इक्वल हो जाए। तो दो प्रॉब्लम आ गई, ना तो y बचा और जो आया वो भी गलत, कहीं नहीं लगने का, यहीं रख के रखो, बताऊंगा कहां जाएगा पहले, कहां, अरे ये शादी करने सब चले जाएंगे ना, कहां चले जाएंगे, हॉस्टल सब जाएंगे, अभी कहीं नहीं जा रहा, भिजवा दो किसी एक के साथ, नहीं रखो, हॉस्टल पे लगाएंगे पहले बड़ा सा,
ठीक है भाई। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई बच्चे वो समझ लीजिए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे हुआ क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हुआ ये बेटे, जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, दो ऑप्शन है इसके सही करने के। एक्चुअली हो क्या रहा था बेटे, हमारे पास बचा था वाई प्लस सेवन का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री का स्क्वायर, यही था ना बेटे? Yes, sir. Yes, sir. बेटे जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे ध्यान रख लेना, इस चीज को लिख लेना हमेशा, व्हेनेवर वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट तो यू हैव टू प्लेस प्लस एंड माइनस बोथ, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था y plus 7 is equals to या will be equals to plus minus y minus 3। इसका मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर को प्लस और माइनस। तो अगर प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन होगा, और अगर माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन होगा। तो जब प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहां लिख देंगे नो सॉल्यूशन। लेकिन जब माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो y plus 7 is equals to minus y plus 3, अब minus y cancel नहीं होगा, इधर आएगा 2y और 7 इधर होगा, 3 minus 7 is minus 4, तो y is equals to minus 2। कुछ समझ में आया या नहीं आया? Yes sir। Yes sir। कि हम किस वजह से गलती कर रहे थे, मैं आपको क्या कह रहा हूं इसे भी मत करो, छोड़ो, ठीक है, इस उलझन में पढ़ो ही मत। लेकिन अगर पढ़ गए तो ध्यान रखना दोनों चीजें लेनी, प्लस माइनस। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऐसे कर लो, आपके लिए इजी लगेगा। आपको कैसे करो कि भाई यहां स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर ओपन कर दो। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। टू ए बी है ना बेटे, तो 2 7 जा 14y आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और इधर क्या आएगा बेटे, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस 6 है ना, y स्क्वायर से y स्क्वायर तो माइनस 6 इधर आके प्लस 14 प्लस 6 20 और 9 माइनस 49 40 तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2। सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बेटे, अब yes, sir. अब क्या हुआ बेटे, आपके पास y is equals to minus 2 आ गया। तो जब y is equals to minus 2 आ गया तो अब एक इक्वेशन और चाहिए। अभी हमने यूज किया था बेटे, सब प्लीज ध्यान से देख लीजिए, हमने यूज किया था सेकेंड एंड थर्ड। तो अब आप फर्स्ट एंड थर्ड ले लो या फर्स्ट एंड सेकेंड ले लो, मर्जी आपकी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट एंड थर्ड ले रहे हैं। नाउ यूजिंग First and third. तो first क्या है बेटे? And put और उसमें put भी कर देते हैं। Y is equals to minus 2. क्या कर देते हैं? Y is equal to minus 2. तो सब बच्चे first को देखो, ये है हमारा first. X minus 6 का square क्या होगा भाई? X square plus 36 minus 12. Yes or no? Yes, sir. Yes. अच्छा y की वैल्यू माइनस टू रखो यहाँ, माइनस टू प्लस सिक्स कितना होगा बेटे? फोर का स्क्वायर 16. सिक्स माइनस फोर, फोर का स्क्वायर 16. अच्छा आपने फर्स्ट एंड थर्ड लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड भी ले सकते थे, तो यहाँ रखो भाई थर्ड में, x माइनस थ्री का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और y की वैल्यू रखो सर माइनस टू, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, माइनस फाइव का स्क्वायर 25. अब सिर्फ इस पे फोकस कर लो, x आ जाएगा, बस कुछ करना नहीं है, इस पे फोकस करो। चलो तो बेटे आप क्या करोगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 6 को इधर लाओ, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6, 9 प्लस 25 34, 36 प्लस 16 और इधर लाओ माइनस में हो जाएगा 52, ठीक है। तो माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 6 से कितने टाइम 3, तो x इज इक्वल टू बेटे 3, तो x कितना आया बच्चे 3, और y माइनस 2। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था सेंटर, क्या निकालना था सेंटर,
तो सेंटर आ गया हमारा। थ्री माइनस टू, सब बच्चे बताओ कुछ समझ में आएगा थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी आपको ये भेज देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। चैप्टर आपका ओवर हो गया है, कोई भी डाउट होगा तो कल पूछेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे कल इंशाल्लाह। तो जिस भी बच्चे को, अगर किसी और को भी पूछ करना होगा रिवाइज में कर लेगा, नहीं तो आप बच्चों का तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री फिर मैं एक साथ लूंगा, सर्कल भी, टेंजेंट, कंस्ट्रक्शन और आपका सिमिलर ट्राइंगल। अगर जब तक किसी भी बच्चे को चाहिए तो वो यूट्यूब वाली ट्यूब वीडियो से देख सकता है, या मुझसे इंडिविजुअल पूछ सकता है कि अगर किसी को एग्जाम में आ रहा हो, डाउट्स हो, जरूरत हो कि नहीं सर मुझे सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है, तो वो एक्स्ट्रा में माशाल्लाह आप पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है सर? यस सर। ऑल द बेस्ट टुडे, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।